आज हम पहली बार इस चैनल पे एक टीवी का रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि LG ने हमें ये 4K टीवी भेजा है। अब इसमें क्या कुछ कैसे दिया उस सब की बात करेंगे, बट उससे पहले दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद LG इंडिया। चलो फिर डब्बे में देखते हैं क्या कुछ है। तो बॉक्स में आपको टेबल माउंट स्टैंड्स मिलते हैं जो कि काफी सॉलिड मटेरियल से बने हैं। इसके अलावा हमारे पास टीवी है और LG का मैजिक रिमोट। ये टीवी 29.7 mm स्लिम है, यानी कि काफी पतला मामला है, मतलब बहुत स्लीक सा लगता है, और सामने की तरफ के बेजल्स हमें काफी कम दिखेंगे, सो ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस टीवी का अच्छा है। ऑल्दो टीवी की बैक बॉडी प्लास्टिक से ही बनी है। फिलहाल मैंने तो इसको टेबल टॉप स्टैंड्स पे रखा हुआ है क्योंकि टेस्टिंग में इधर उधर करना पड़ता है तो बहुत दिक्कत आती है, लेकिन आप वॉल माउंट भी करवा सकते हो। आपको LG की तरफ से कॉल आ जाएगी और ये वॉल माउंट अपने साथ में लेके आते हैं जो कि फ्री रहता है, मतलब मेरे इंस्टॉलेशन वाले भैया ने तो मुझसे यही कहा था। बाकी टीवी के नीचे की तरफ आपको LG की ब्रांडिंग मिलती है और उसके नीचे आपको 10-10 वॉट के दो डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं। अब आखिर इनकी आवाज कैसी है उसकी हम आगे बात करेंगे। और इसी के पास एक पावर बटन भी मिलता है जिससे आप टीवी को ऑन ऑफ तो कर ही सकते हो और होल्ड करने पे कई और ऑप्शंस भी आ जाते हैं, जैसे इनपुट स्विच करना है या वॉल्यूम चेंज करनी है। और पोर्ट्स की बात करें तो मोस्टली पोर्ट्स आपको टीवी के लेफ्ट साइड में मिलेंगे। यहाँ 3 HDMI पोर्ट है और उसमें से एक EARC सपोर्ट करता है। 2 USB पोर्ट्स दे रखे हैं और दोनों USB 2.0 स्टैंडर्ड्स के हैं। इसके अलावा एक एंटीना या केबल कनेक्शन पोर्ट है और एक सैटेलाइट वाला पोर्ट। इसके साथ साथ नीचे की साइड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए LAN पोर्ट और उसके साथ एक डिजिटल ऑडियो का पोर्ट है, यानी कि जितने भी नेसेसरी पोर्ट्स चाहिए होते हैं वो सब आपको इसमें दिख जाएंगे। अब इस डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले स्पेक्स देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रोसेसर लगा है उसका नाम है Alpha 5 AI प्रोसेसर 4K Gen 7। अब नाम में AI है, यानी कि AI के सारे टास्क से ही हैंडल करेगा, जैसे AI ब्राइटनेस कंट्रोल जैसे फीचर्स इसी की देन है। 4K तक ये कंटेंट को अपस्केल कर सकता है एंड इन जनरल भी UI फास्ट है। अब इसमें कितने GB रैम है उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन इंटरनल स्टोरेज 1 GB की दे रखी है। अब 1 GB की इंटरनल स्टोरेज तो देखो कम है, अगर 2-4 एप्स डाल दी तभी भर जाएगी, ये तो डेफिनेटली ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन LG ऐप स्टोर में जो भी एप्स हैं वो WebOS के हिसाब से ऑप्टिमाइज होती हैं, सो एप्स आर वेरी लाइटवेट। ऑल्दो इसमें सारी नेसेसरी एप्स ऑलरेडी डाउनलोडेड मिलती हैं। डुअल बैंड वाईफाई है, आपको वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल जाएगा, तो कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है। TWS जोड़ने हो या साउंड बार कनेक्ट करनी हो सब इजीली हो जाता है। OS की बात करें तो आपको यहाँ WebOS मिलेगा और इन जनरल OS काफी स्मूथ चलता है और टीवी का बूट टाइम भी बहुत कम है। एप्स लोड करना या फिर एक के बाद इंस्टेंटली दूसरी ऐप खोलनी हो तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन रेयरली ऐसा हो जाता है कि एप्लीकेशंस के लोड होने में या होम पे स्विच करने में माइनर सा लैग आ जाता है। मोस्टली चीजें सही से काम करती है। आप LG अकाउंट से साइन इन करके टीवी को फोन से भी कंट्रोल कर सकते हो। फोन में इनकी थिंक क्यू करके एप्लीकेशन आती है तो वहां से सब हो जाता है, यानी कि आपका फोन प्रॉपर फुल फ्लैश रिमोट की तरह फंक्शन करेगा। एप्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी ही एप्स आपको प्रीलोडेड मिलती है। अगर आपको और चाहिए तो आप इनके ऐप स्टोर पे जाके चेक कर सकते हो, और इसमें वेब ब्राउजर भी है, अगर आपको कोई URL खोलना हो तो आप इसमें आराम से खोल सकते हो। और इसमें एक LG चैनल्स का फीचर भी है जिसमें आप कुछ चैनल्स बिना सेट टॉप बॉक्स के फ्री में देख सकते हो। इसमें कैटेगरीज भी है जैसे न्यूज, मूवीज, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट वगैरह, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी होम स्क्रीन थोड़ी सी क्लीन हो सकती है। अभी यहाँ बहुत चीजें एक साथ दिखती हैं। अब पर्सनली मैं थोड़ा एम्प्टी स्क्रीन इंटरफेस प्रेफर करता हूँ। अब WebOS की सबसे खास बात ये है कि इस टीवी में आने वाले 5 साल तक आपको 4 मेजर WebOS के अपग्रेड्स मिलेंगे, यानी कि लगभग हर साल आपको आपका टीवी इम्प्रूव और नए जैसा लगेगा। अब हम इसके डिस्प्ले पे चलते हैं क्योंकि वही मेन। तो ये एक 55 साइज की 4K UHD डिस्प्ले है, यानी कि इसका रेजोल्यूशन है 3840x2160 और ये 60Hz का पैनल है। अगर हम डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि पैनल कौन सा है, IPS है या VA है, आई हैव नो आइडिया। बट फिर भी अगर मेरे को एक गेस लेना हो देन इट फील्स लाइक कि ये एक VA पैनल है, क्योंकि ब्लैक्स काफी शानदार दिख रहे हैं, डिस्प्ले में कॉन्ट्रास्ट काफी हाई लग रहा है और ये काम VA पैनल ही करता है। लेकिन मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि लास्ट ईयर LG ने अपने IPS पैनल्स की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव किया है और उसमें भी ब्लैक्स को काफी अच्छा बनाया गया था। अब साइड बाय साइड हो तो पता चले, फिलहाल हमें नहीं पता। बट अब पैनल दोनों में से कोई सा भी हो बट कलर्स बहुत पंची है, मतलब कि डिस्प्ले काफी वाइब्रेंट है और आपकी पर्सनल चॉइस के हिसाब से आपको 9 पिक्चर मोड्स मिलते हैं। सबसे पहले ये विविड मोड है जो कि मेरी लाइकिंग के हिसाब से काफी ज्यादा ही सैचुरेटेड है। इसके बाद स्टैंडर्ड मोड आता है और इसमें शार्पनेस बाय डिफॉल्ट 25 पे सेट होके आती है। मेरी एडवाइस रहेगी कि आप इसको कम कर देना, उससे आपको टेक्सचर्स और ज्यादा स्मूथ और अच्छे दिखेंगे। इसके बाद ये इको मोड है, फिर सिनेमा मोड है और ये पर्सनली मुझे काफी सही लगता है क्योंकि इसमें मूवीज अगर आप देखते हो तो काफी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि टोन थोड़ी वार्म हो जाती है। फिर स्पोर्ट्स मोड है और इसके बाद गेम मोड भी है। फिर फिल्म मेकर मोड है जो कि ऑलमोस्ट सिनेमा मोड जैसा ही है, लेकिन इसमें
हाइलाइट्स की ब्राइटनेस को थोड़ा और कम कर दिया जाता है। बाकी इसमें AI ब्राइटनेस का भी फीचर मिलता है जिसमें यह स्क्रीन के आसपास जितनी लाइट होती है उसको देख के डार्क पार्ट्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। आपको इसमें HDR10 और HLG का सपोर्ट भी मिलेगा। हाँ, लेकिन डॉल्बी विजन का सपोर्ट इसमें नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डॉल्बी विजन का कंटेंट इसमें देख नहीं सकते। ये बस एक फॉर्मेट होता है। कंटेंट बहुत अच्छा चलेगा, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। मैंने YouTube पे HDR कंटेंट प्ले करके देखा और मुझे इसमें काफी शानदार ब्राइटनेस मिली है। प्राइम पे भी कुछ शोज चला के देखे और नेटफ्लिक्स पे भी ट्राई किया, हर जगह मुझे HDR की परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं है। काफी पंची कलर्स ये शो करता है और HDR में डिटेल्स की भी कमी नहीं है, तो बढ़िया शार्प पिक्चर क्वालिटी आपको इसमें मिल जाएगी। बाकी अगर हम ज्यादा लाइट वाले कमरे में है तो आपको थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन तो इसमें दिखेंगी क्योंकि एंटी ग्लेयर वाला कोई सिस्टम नहीं है। व्यूइंग एंगल्स एकदम बढ़िया है, आप आराम से एक कंफर्टेबल साइड एंगल पे होकर टीवी एंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। बैकलाइट ब्लीडिंग भी मैंने चेक करी और उसमें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन एकदम पिच ब्लैक दिखती है। और LG का क्लेम है कि ये टीवी कम ब्लू लाइट एमिट करता है। अब मेरे पास इसको टेस्ट करने का तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर आपको ज्यादा लगे तो आप सेटिंग्स में आई केयर मोड को ऑन कर देना, वो थोड़ा वार्म टोन करके बैलेंस कर देगा। और अगर आपको कस्टम अपने हिसाब से पिक्चर क्वालिटी को सेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। क्लैरिटी, शार्पनेस जैसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो आपको जैसा पसंद है वैसा बना लो। इवन अगर आपको सेटअप बॉक्स भी कनेक्ट करना है तो चाहे आपको HD चैनल्स देखने हैं या SD चैनल्स देखने हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से अपस्केल हो जाते हैं, कोई वियर्ड पिक्सेलेशन हमें नहीं दिखती। अब वीडियो की तो बात होगी, ऑडियो को भी देख लेते हैं। तो स्पीकर्स इसमें नीचे की तरफ हैं और 10 वॉट के दो स्पीकर हैं। अब ऑडियो क्वालिटी देखो ठीक ही है, आपको अलग अलग साउंड मोड्स में मिलते हैं और इसमें एक AI साउंड प्रो का भी ऑप्शन है। ये ऑटोमेटिकली सराउंडिंग के हिसाब से ऑडियो को एडजस्ट कर देता है। बाकी आप ऑडियो क्वालिटी एक बार सुनो फिर मैं बताता हूं। अब हम AI साउंड प्रो में भी सुन लेते हैं। आई डोंट नो ऑडियो में ये चीज नोटिस होगी कि नहीं, बट AI साउंड प्रो में वॉल्यूम काफी तेज हो जाती है। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप स्टैंडर्ड पे ही रखें, मेरे को सबसे सही वही लगा है। और गाने सुनते टाइम म्यूजिक मोड भी बढ़िया काम करता है, थोड़ा बेस बढ़ जाएगा। अब वैसे तो अगर आप कंटेंट देखने के लिए ये टीवी ले रहे हो तो आवाज आपके कानों तक बहुत आराम से पहुंचेगी, बट अगर आपको एक ट्रूली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छे साउंड बार में इन्वेस्ट करो। LG के पास भी काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। LG के टीवीज में रिमोट भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा मिलता है। ये एक मैजिक रिमोट है जो कि बॉक्स के अंदर ही आता है और सेल भी इसके साथ फ्री में मिलते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, पहले नजर में देखने में मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आया था, थोड़ा टेढ़ा सा है, बट ये रिमोट तगड़ा है क्योंकि इसमें आपको पॉइंटर मिल जाता है जिसका यूज करके आप नेविगेट कर सकते हो। बीच में माउस व्हील जैसा कुछ दे रखा है जो कि स्क्रॉल करने के काम आता है। अब इसका फायदा आपको तब मिल सकता है जब आपको किसी वीडियो को आगे पीछे करना होता है, तो आपको बटन दबा दबा के आगे नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली पॉइंटर को उस जगह पे ले जाके ओके प्रेस कर दो। और कंटेंट देखते ही आप सारे मोड्स वगैरह सब बदल सकते हो, यानी कि लाइव प्रीव्यू हो जाता है। रिमोट पे आपको सारे नेसेसरी बटन्स मिलते हैं, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, प्राइम सब दे रखा है, काफी भरा भरा सा रिमोट है। गेमिंग की बात करें तो PC या लैपटॉप कनेक्ट करने से तो ऑब्वियसली ये सेम ही फंक्शन करेगा, बट अगर आप कंसोल कनेक्ट करते हो तो इसमें काफी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको ALLM का सपोर्ट मिलेगा जो कि लेटेंसी कम करने के काम आएगा। उसके बाद आपको HDIG भी मिलेगा, यानी कि आप गेम्स को HDR में भी खेल सकते हो। और एक चीज मैं हाईलाइट कर दूं, ये 60Hz का पैनल है, अगर आप 120Hz की गेमिंग को एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको कुछ और देखना पड़ेगा। अब हम इस टीवी की प्राइसिंग पे आते हैं। ये आपको 5 साइजेस में मिल जाएगा और सबका प्राइस LG की वेबसाइट के हिसाब से आपकी स्क्रीन पे है। 43 वाला मॉडल 5591 से शुरू होता है और मेरे पास जो मॉडल है 55 वाला उसका प्राइस 68991 है। अब LG की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये प्राइसिंग मुझे एक नॉर्मल 55 इंच के टीवी से थोड़ी ज्यादा लगी है, बट अगर आप ऑफलाइन पता करोगे तो आपको एक अच्छी डील मिल जाएगी। एंड नो डाउट कि आपको इसमें एक बेहतरीन पैनल मिलता है, WebOS के 5 साल तक के अपडेट्स भी मिलते हैं। बस आप अपने ऑफलाइन रिटेलर से प्राइसिंग का मोल भाव कर लेना। अगर आपकी श्रद्धा है और आपको लेटेस्ट LG का 4K टीवी चाहिए तो चेक कर लो। बट फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवान शो एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।